ये कहानी एक पुलिस वाले की कहानी है, जिसने कि अपने सामर्थ्य और सोच से एक अपनी अनजानी बहन का घर बसाया और उसको दोबारा से घर बसाने में सहायता की। यदि आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। एक लड़की जो कि मेडिकल कॉलेज में नर्स लगी हुई थी, उसका हस्बैंड भी कोई छोटी मोटी नौकरी करता था, गांव में उसकी शादी हो रखी थी और लड़की हमेशा ड्यूटी पर PGIMS में नौकरी के लिए अपने ससुराल से डेली आती जाती थी। उसका पति उसे छोड़ने आता फिर लेने आता, क्योंकि उसका प्राइवेट धंधा था, उसे इतना समय मिल जाता था। दोनों का परिवार अच्छी तरह से चल रहा था, ट्यूनिंग भी ठीक थी। लेकिन एक बार क्या होता है कि मरीजों से तो हर एक नर्स को, हर एक सिस्टर को बोलना चालना ही पड़ता है। कई लोग अच्छे होते हैं, कई बुरे होते हैं, लेकिन हर एक का व्यवहार अलग होता है। अब वो ड्यूटी करके घर जा चुकी थी और किसी मरीज के अटेंडेंट ने उस नर्स को फोन कर दिया कि सिस्टर आप कब आओगे, आप ही अच्छी तरह संभालते हो, आपकी ड्यूटी कब है। लेकिन उसने जो ही उस आदमी से बात की, उसकी सास ने बाउंडर मचा दिया। वो कहने लगी, पता नहीं इस नर्स के तो किस किस के साथ लिंक हैं, पता नहीं कौन कौन फोन करते हैं, क्या क्या बातें करते हैं। इसी बात पर उसने अपने लड़के को बहका दिया और दोनों के अंदर झगड़ा हो गया। अब लड़के को भी माँ की बातों पर यकीन हुआ और उसने भी अपनी बीवी को शक की नज़र से देखना शुरू कर दिया। बात बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ गई कि दोनों का तलाक होने को आ गया। दोनों ही कोर्ट में पेश हुए और एक दूसरे ने साइन कर दिए कि हम एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहते और हम तलाक लेना चाहते हैं। लेकिन ओम प्रकाश नाम का एक पुलिस वाला जो वहां ड्यूटी पर था, उनका बीच बचाव करने वाला था, उसने सोचा कि ये तो घर बिगड़ेगा, लड़की भी अच्छी है, लड़का भी ठीक है, क्यों ना इनका घर बसाया जाए। उसने दोनों को अपने पास बुलाया और कहा, भाई मुझे बता कि तेरे को क्या परेशानी है। आप उस लड़के ने कहा कि मेरी पत्नी के संबंध पता नहीं कहाँ कहाँ है, ये नर्स है, इसके पास फोन आते हैं। उसने उसको समझाया, अरे बेवकूफ, इसकी नौकरी ऐसी है, मरीजों को अटेंड करती है, उनके अटेंडेंट से बात करती है, इसके फोन आने स्वाभाविक प्रक्रिया है, इसके पास तो फोन आएंगे। यदि आप ऐसा नहीं करवाना चाहते तो घर बैठा लीजिए, किसी का कोई फोन नहीं आएगा। यदि तुम्हें तनख्वाह चाहिए, काम भी चाहिए, तो ये फोन तो सहन करने ही पड़ेंगे। यदि आपने अपना घर बिगाड़ना है तो बिगाड़िए, लेकिन ऐसी लड़की आपको फिर नहीं मिलेगी। अब लड़के को समझ में आ गई और उसने कहा कि मैं अपना घर बसाना चाहता हूँ। यही बात ओम प्रकाश ने उस लड़की से कहा कि बहन, आज से तू मेरी सगी बहन के बराबर है, मुझे बेशक आज ही राखी बांध दे, लेकिन अपना घर बसा ले। ये छोटी मोटी बातें समाज में होती रहती हैं, क्योंकि हमारी माताएं अनपढ़ हैं, उन्हें पता नहीं है बाहर के माहौल का, और वो ऐसी बातें करना उनके लिए स्वाभाविक है। इन बातों को ध्यान में न रखते हुए आप अपना घर बसा लीजिए और अपने पति के साथ अपने ससुराल चली जाइए, या अपना क्वार्टर लेके यहाँ रहिए, जैसा भी आपने करना है, लेकिन अपना घर बसा लीजिए। उस लड़की को भी
ओम प्रकाश की बात पसंद आई और उसने उसी दिन से उस पुलिस वाले को अपना भाई माना और राखी बांध दी और उसकी बात को मानकर दोनों ने अपना घर अच्छी तरह से बसा लिया। आज भी ओम प्रकाश उसके सीधा कोथड़ी देता है, बहन मानता है और वो भी ओम प्रकाश को अपने भाई की तरह इज्जत देती है तथा जब भी मेडिकल का कोई काम होता है उसकी सहायता करती है। ये थी मेरी एक छोटी सी आज के समाज की बात। धन्यवाद।